हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय इंग्लिश क्लास वीडियो लेसन्स में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर आज का टॉपिक भी है दोस्तों, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की चर्चा हमने प्रीवियस लेसन्स पे कर लिया है। बीच बीच में उसको मैं उल्लेखित करता ही रहूँगा ताकि दोनों में अंतर पता चलता रहे। पास्ट सिंपल दोस्तों, जहाँ पर एक्शन प्लस एक्शन वर्ब आया, प्लस एक्शन वर्ब आते ही एक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों एक्शन देखने को मिला तो निश्चित तौर पर सेक्शन के घटित होने का समय भी देखने को मिलता है। और पास्ट में एक्शन का टाइम, एक्शन का समय क्या है, बिल्कुल क्लियर है। पास्ट की बात है मतलब अभी से एक दिन पहले, दो दिन पहले, एक घंटा पहले, एक मिनट पहले, इवन एक सेकेंड पहले की भी कोई घटना हो तो वो पास्ट में। उसी पास्ट टेंस को, उसी पास्ट सिंपल को समझने के लिए दोस्तों हम देखते हैं क्या होना है वर्ब का सेकंड फॉर्म अर्थात वर्ब का पास्ट फॉर्म। दोस्तों वर्ब का सेकंड फॉर्म अर्थात वर्ब का पास्ट फॉर्म। तो चलिए हम पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाएं। पास्ट टेंस में जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था वैसा ही पास्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सभी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। दोस्तों इसमें प्रेजेंट सिंपल की तरह वर्ब में एस और ईएस लगाने का नियम लागू नहीं होता है। एस और ईएस जब वर्ब में लगाते हैं तो वह मात्र प्रेजेंट सिंपल में जहां काम होता है, जहां बारंबारता देखने को मिलती है दोस्तों। बाकी किसी टेंस में भी वर्ब में एस और ईएस का रूल अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो चलिए इसके सेंटेंस की बात करें। क्या सेंटेंस है आपके सामने स्क्रीन पर? पॉजिटिव सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, ही वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट। वर्ब जो येलो बैकग्राउंड पे दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म है वॉच्ड, ही वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट। और जैसे हमने प्रेजेंट में नेगेटिव बनाया दोस्तों, उसके लिए कौन सा शब्द पढ़ा था याद होगा आपको, डू नॉट और डज नॉट। मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि पूरी अंग्रेजी हमारी दो पार्ट में बटी हुई है, एक बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस और दूसरा एक्शन वाले सेंटेंसेस में ही। बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस में हमने प्रेजेंट में देखा इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया दोस्तों, और एक्शन वाले सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट से बनाया है। बिल्कुल वैसा ही दोस्तों पास्ट में भी दो पार्ट है, एक बिना एक्शन वाला और दूसरा एक्शन वाला। बिना एक्शन वाले में हमने वॉज नॉट, वर नॉट का प्रयोग किया, और एक्शन वाले में हमको क्या करना है, जो डू और डस पढ़ा है प्रेजेंट में उसी का पास्ट डिड का प्रयोग करना है। मैंने क्या कहा, डू और डस का पास्ट डिड का प्रयोग करना है। चूंकि डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है दोस्तों, तो यहां जो हमने पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया है वॉच्ड, वो नहीं रहेगा, वो वॉच हो जाएगा वापस। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, देखिएगा ध्यान से। ही डिड नॉट और वॉच्ड की जगह पे हमने क्या कर दिया, वॉच। क्यों दोस्तों, क्योंकि डिड भी सेकेंड फॉर्म में है और वॉच्ड भी सेकेंड फॉर्म में हो यह संभव नहीं है। ही डिड नॉट वॉच टीवी, He did not watch TV, watched नहीं होगा, He did not watched आप कहेंगे तो बिल्कुल ही गलत होगा। अब दोस्तों जैसे ही नेगेटिव बनाया आपने तो इंट्रोगेटिव वन का रास्ता तो खुल ही गया। आप ही आप इंट्रोगेटिव वन कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास है, माइनस एक्शन वर्ब हमारे पास है, इसको मात्र उल्टा करना है, क्रम को आपस में, इनके स्थान को आपस में इंटरचेंज करना है, तो इंट्रोगेटिव वन बनता है। उसकी शुरुआत हिंदी में क्या से होती है दोस्तों, और जैसे ही इंट्रोगेटिव वन आपने बना लिया तो इंट्रोगेटिव टू जिसमें हमने डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग भी करना है। तो चलिए पहले इंट्रोगेटिव वन की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव वन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर ही और डिड को हमने उल्टा किया है, सब्जेक्ट है और ये माइनस एक्शन वर्ब है, माइनस एक्शन वर्ब से शुरू हुआ है। वही सूत्र हर बार, नेगेटिव नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट और माइनस एक्शन वर्ब की जगह को आपस में चेंज करना है तो इंट्रोगेटिव वन बनेगा। उसकी शुरुआत हिंदी में क्या से होगी, तो इसमें कैसे बोलेंगे हिंदी, डिड ही वॉच टीवी, क्या उसने टीवी देखा,
क्या उसने टीवी देखा और जैसे ही डिड इंट्रोगेटिव वन बन गया दोस्तों, तब आप तो पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये इंट्रोगेटिव वन डिड के ठीक पहले क्वेश्चन वर्ड्स जोड़ते जाइए, क्या होगा, उसने टीवी कब देखा, व्हेन डिड ही वॉच टीवी, अपने मन से करना है, स्क्रीन पर वो मैं सेंटेंस नहीं दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। फिर उसने टीवी क्यों देखा, तो डिड के पहले वाय लगा दीजिए, वाय डिड ही वॉच टीवी, उसने टीवी कहां देखा, डिड के पहले वेयर लगा दीजिए, वेयर डिड ही वॉच टीवी। बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता तो लगभग हर दिन करनी है आपको, मैं बार बार शेयर करता हूं ना आपसे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते जाइएगा। फिर हम फिर पुराने जो प्रेजेंट सिंपल में दोनों सेंटेंस को एक साथ बनाया था दोस्तों, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को वो आप देखिएगा, दोनों एक साथ है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, डिड ही नॉट वॉच टीवी, क्या उसने टीवी नहीं देखा, यहां भी जोड़िए उसने टीवी क्यों नहीं देखा, व्हाई डिड ही नॉट वॉच टीवी। इंट्रोगेटिव वन बन जाने से दोस्तों इंट्रोगेटिव टू का तो रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। मैं फिर कहूं शॉर्टकट नहीं है, मैं आपसे कभी भी वादा नहीं करूंगा, कभी भी छलावा नहीं करूंगा कि 15 दिनों में या 20 दिनों में या एक महीने में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। दोस्तों ऐसा कोई भी मैजिक वैंड, कोई मैजिक वैंड छड़ी नहीं है जिससे अंग्रेजी हम पलक झपकते सीख जाए, नो नो दोस्तों, ओनली प्रैक्टिस इज द वे टू लर्न एनीथिंग, एंड बिफोर प्रैक्टिस यू शुड हैव डेडिकेशन, हंगर, आप में समर्पण होना चाहिए और सीखने की भूख होनी चाहिए। यदि आपको सीखने की आवश्यकता है तो आप जरूर इन वीडियोस को बार बार देखेंगे और अपने आप को परफेक्शन की राह पर ले जाएंगे दोस्तों। तो अभी हमने देखा पास्ट सिंपल में कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, बट ध्यान दीजिएगा पास्ट सिंपल में नेगेटिव हमने डिड से बनाया, डिड डू और डस का पास्ट है दोस्तों, इसलिए हमने डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में रखे हैं, तो वॉच का वॉच्ड नहीं होगा। जैसे मुझे कहना है कि मैंने देखा, आई सॉ, मैंने एक लायन देखा, आई सॉ अ लायन, यहां सॉ वर्ब का सेकंड फॉर्म है दोस्तों। जैसे मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो मैं डिड का प्रयोग करूंगा पास्ट सिंपल में, तो जैसे डिड का प्रयोग किया, ये डू डस का पास्ट है ऑलरेडी, तो दोबारा मैं सॉ नहीं बोलूंगा, आई डिड नॉट सॉ अ लायन गलत हो जाएगा, आई डिड नॉट सी अ लायन। दोस्तों कुछ छोटे छोटे शब्दों पर आप ध्यान देते रहिएगा, हमारी गलतियां ऐसे ही कुछ शब्दों में ज्यादा होती हैं। प्लीज आप कोशिश करिएगा कि अभी जो पास्ट सिंपल हम पढ़ रहे हैं उस पर नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, उसको भी आप देखिएगा, कोशिश करिएगा, आप अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। दोस्तों अब मैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने रख रहा हूं पास्ट सिंपल में, उन पिक्चर्स को देख के, पिक्चर स्टोरी तो आप देखे होंगे, प्राइमरी स्कूल से पढ़े होंगे, आजकल हर बच्चों के पास ऐसी एक बुक्स होती हैं कि पिक्चर दे देते हैं और बच्चों को इमेजिन करने कहते हैं। मैं पूरे इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको उसमें शब्दों के माध्यम से संकेत भी दूंगा, बनाना आपको है, सिर्फ अभ्यास के लिए एक छोटा सा मंच मान के चलिएगा। देखिए दोस्तों, आपके पास लास्ट वीक कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को क्रम से एक कहानी के रूप में आपके सामने रखना है, आप बनाइएगा, देखिएगा। एक पिक्चर नंबर वन, एक लड़का है जो अपना पेट दबाए खड़ा हुआ है, पेट पकड़कर खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पेट में दर्द है, तो हम क्या बोलेंगे, सुनिएगा, हैज हैव हैड भी आप पढ़ चुके हैं, पहले की क्लास में देख चुके हैं। मुझे कहना है कि मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन, बिल्कुल वैसे ही मैं अपने हेडेक के लिए, सिर दर्द के लिए भी मैं कह सकता हूं कि आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ हेडेक। और दोस्तों हैव का पास्ट क्या होता है आप जानते हैं, हैड, तो यदि मुझे कल सिर दर्द था तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैड अ हेडेक, आई हैड अ हेडेक। बिल्कुल वैसे उसे लास्ट वीक स्टमक एक था, तो क्या बोलेंगे, ही हैड अ स्टमक एक लास्ट वीक, ही हैड अ स्टमक एक लास्ट वीक। अब इसके दूसरे पिक्चर पर देखें दोस्तों, तो दूसरा पिक्चर क्या हो रहा है, यहां शब्दों से आपको संकेत मिल रहा है, लिखा है पेरेंट्स, फिर टुक और हॉस्पिटल, सेंटेंस आप पूरा बनाइएगा, तो क्या होगा, पेरेंट्स टुक हिम टू हॉस्पिटल,
कब की घटना है दोस्तों? पास्ट की है, लास्ट वीक की है, अभी से एक सेकंड पहले की भी घटना को बताना है तो पास्ट सिंपल में जाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स टुक हिम टू हॉस्पिटल, दोस्तों यहां पर टुक सेकंड फॉर्म है। मैं फिर आपसे पूछूं कि जैसे इसका नेगेटिव बनाना होगा तो किसका इस्तेमाल होगा? डिड का, जो ऑलरेडी डू डस का पास्ट है डिड, और डिड के आते ही ये टुक कहां बदल जाएगा मित्रों? टेक में। तो पेरेंट्स डिड नॉट टेक हिम टू हॉस्पिटल, यदि नेगेटिव बनाना है तो। अब हम तीसरे पिक्चर की तरफ चलें, ये क्या हुआ तीसरा पिक्चर देखिएगा, नर्स टुक हिज ब्लड प्रेशर, फिर से यहां टुक है, आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट, मैं बार बार कह रहा हूं डिड डू और डस का पास्ट है, ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में कर चुके हैं इसलिए प्लस एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा नेगेटिव बनाएंगे तो। उसके बाद चौथा जो पिक्चर है देखिएगा, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम, डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम, इसका भी नेगेटिव आप बनाते रहिए, मैं आपको पिक्चर दे रहा हूं, आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सबकी कल्पना करते रहिए साथ में। फिर नेगेटिव, द डॉक्टर डिड नॉट एग्जामिन हिम, डिड लगते ही वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों। फिर पांचवा पिक्चर देखिएगा, पांचवे पिक्चर पर क्या हो रहा है कि डॉक्टर ने एग्जामिन करने के बाद उसको इंजेक्शन लगाया, लगाया मतलब काम हुआ मतलब पास्ट, पास्ट मतलब पास्ट फॉर्म अर्थात वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो द डॉक्टर इंजेक्टेड हिम, डॉक्टर इंजेक्टेड हिम वर्ब का सेकेंड फॉर्म। दोस्तों आप इसको नेगेटिव बनाइएगा तो डिड नॉट, मैं बार बार आपसे इस चीज को हैमरिंग मेथड का प्रयोग करके आपको याद दिलाने की कोशिश और अभ्यास के प्रयास में लगा हुआ हूं दोस्तों। तो डिड लगते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर छठवां पिक्चर देखिएगा क्या हुआ, डॉक्टर तो चले गए इंजेक्शन लगाने के लिए, फलानी फलानी दवाइयां उनको देनी है तो नर्स ने उसको दवाइयां दी, द नर्स गेव मेडिसिन, नर्स गेव हिम मेडिसिन, नेगेटिव बनाइएगा, गेव है दोस्तों सेकंड फॉर्म में है, पास्ट है, पॉजिटिव है, जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डिड का प्रयोग होगा और डिड लगते ही ये गेव कहां आ जाएगा, गिव में, द नर्स डिड नॉट गिव हिम मेडिसिन, प्रैक्टिस करना है। फिर देखिएगा सातवें सेंटेंस पे, उनकी मम्मी है, उन्होंने खूब मदद की, उनकी खूब सेवा की, खूब देखभाल की, तो सेवा करना सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड, तो मदर सर्व्ड हिम अ लॉट, मम्मी ने उनकी खूब सेवा की। और उसके बाद फिर आप बनाइए वर्ब का सेकंड फॉर्म, कौन आए देखने, ग्रैंड पेरेंट्स, कम का पास्ट फॉर्म है दोस्तों केम, ग्रैंड पेरेंट्स केम, हम पास्ट फॉर्म का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कब की घटना है, लास्ट वीक की घटना है, तो ग्रैंड पेरेंट्स केम टू सी हिम, नेगेटिव भी बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, फिर से यहां देखिएगा सेकंड फॉर्म है केम, चूंकि पास्ट की घटना है तो पास्ट की घटना को हम किससे बनाएंगे, डिड से नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, डिड आते ही वर्ब अपने कौन से फॉर्म में हो जाएगा, कम, ग्रैंड पेरेंट्स डिड नॉट कम टू सी हिम। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ प्रेजेंट पास्ट दोनों को साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इसके अंतर से आप और अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएं, प्रेजेंट का नेगेटिव, पास्ट का नेगेटिव, दोनों का इंट्रोगेटिव, ये सब साथ में पढ़ेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, यदि आप लाभान्वित हो रहे हैं दोस्तों तो इस लाभ को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, बाकी लोगों से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे आपको मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस पेश कर सकूं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों को शेयर करना है, उनसे भी सब्सक्राइब कराना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका यह अपने क्लास का वीडियो कहीं भीड़ में गुम ना हो जाए, आपकी सेवा से मैं वंचित ना रह जाऊं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आज इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।